हम साथ चलेंगे, हर संकट का सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अब मुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा, अपने माता पिता और परिजनों का ध्यान रखना होगा। हम साथ साथ हैं। किंतु महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण खाद्य सामग्री भूकंप में नष्ट हो गई है। भूकंप और पर्वत के फटने से बैल बेकाबू हो गए थे और वो उसी ओर भागे थे जिस ओर पर्वत फटा था। कोई बात नहीं, वन के कंदमूल हमारा भोजन होंगे, जलाशय से हम जल प्राप्त करेंगे। किंतु अभी संध्या होने को है, रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। प्रातः होते ही नई स्फूर्ति के साथ हम अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। पिताश्री, हर संकट में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। केसरी की ढाल बनकर खड़ा है हनुमान, उसे केसरी से दूर करना होगा। किंतु कैसे महाराज? अब तो हनुमान पूर्णतः सजग होकर केसरी की रक्षा कर रहा है, कैसे दूर करेंगे आप उसे उसके पिता से? काल सदैव मृत्यु देता है वो किसी मिष्य ही, और इसके लिए मैं किसी भी देवता या प्रकृति के सहायक तत्वों को आज्ञा दे सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, बताइए किसे संदेश भेजूं? मैं कालदेव की बात का समर्थन करता हूँ, जो नियम तोड़ेगा वो दंड का पात्र तो होगा ही। अग्नि तत्व, अग्नि देव को संदेश भेजिए, उनसे कहिए कि प्रातः काल मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। जी प्रभु। अंजना, कुछ देर विश्राम कर लो। सावधान रहना होगा हनुमान। हनुमान सावधान एवं सजग रहेगा, पिताश्री पर कोई संकट नहीं आने देगा हनुमान। अंजना, उठो, चलने की तैयारी करो। चलो मित्रों, सज्जित हो जाओ, हमें आगे बढ़ना है, समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए हर क्षण सतर्क रहना होगा मुझे। प्रभु, सारे संकट मुझे दे देना, किंतु मेरे परिवार पर कोई संकट ना आए।
जी माता जी। जल हो तो ला दो, प्यास लगी है। प्रतीत होता है नानी एवं आचरी का मौसी बहुत क्लांत हो गए हैं। क्या हुआ नानी? क्षमा करें माता, जो जल था वो प्रातःकाल ही समाप्त हो गया। किंतु जल तो चाहिए, हम सबको ही प्यास लगी है। हाँ हमें भी प्यास लगी है। जल तो आवश्यक है, किंतु कोई बात नहीं, मैं अभी जल ला देता हूँ। देखो ये वाष्कल्य राज्य है, मैं इस राज्य से परिचित हूँ। वाष्कल्य नामक राक्षस राजा है इस राज्य का। ये वही वाष्कल्य राक्षस है जिसके भाइयों को हनुमान ने पराजित किया था जब उन्होंने अंजना का अपहरण करने का प्रयास किया था। हमें यहाँ बड़ी सावधानी से आगे जाना होगा। जितना शीघ्र हम यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। किंतु पिताश्री, नानी माचरी का मौसी सबको प्यास लगी है। चल तो मुझे लाना ही होगा। हम इस पर्वत को पार कर लें तो उस ओर हरे भरे वृक्ष भी हैं और जलाशय भी। हमें हिम्मत करनी होगी और शीघ्र इस चढ़ाई को पार करना होगा। चलो। मैं हनुमान के विरुद्ध नहीं हूँ कालदेव, किंतु प्रकृति के नियम को जो तोड़ता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। सृष्टि के पांचों तत्व पृथ्वी जल समीर आकाश और अग्नि सबको इस नियम का कठोरता से पालन करना ही चाहिए। अग्निदेव, जिस प्रकार मनुष्य के कर्म फल उसके संतान और परिवार वाले भोगते हैं, उसी प्रकार संतान के कर्म का प्रभाव भी उसके पिता और उसके परिवार पर पड़ता है। हनुमान के लिए उचित दंड होगा उसके पिता की मृत्यु, और उसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। किंतु कालदेव, हनुमान महाशक्तिशाली है, उसके रहते केसरी का कोई अहित नहीं कर पाएगा, वो बचा ही लेगा केसरी को। उसके लिए क्या करना है ये भी मैंने सोच लिया है। इसके लिए हनुमान को इस बार केसरी से दूर करना होगा। यहाँ हरे भरे वन थे, जलाशय थे। स्वामी, यहाँ तो मात्र मरुथल दिखाई दे रहा है, कोई जलाशय या हरे भरे वन नहीं है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, हरे भरे वन और जलाशय के स्थान पर शुष्क मरुथल। कालदेव, आपके आदेश को पूर्ण कर दिया है मैंने। कालदेव का मार्ग अब सुगम हो गया है। कालदूत भी आ गए हैं।
चलो, हमें तो आगे बढ़ना ही है। यहाँ की जमीन तो अग्नि की भांति तप रही है। मित्रों, मुझे ज्ञात है तुम सबको बहुत कष्ट हो रहा होगा, किंतु हमें आगे बढ़ना ही होगा, अन्यथा समय रहते यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी। चलो मित्र, आगे बढ़ते हैं। छाया, रुक जाइए। मुझे संकट का आभास हो रहा है। विकराल काल दूत, कैसे रोकूं इन्हें? सावधान हो जाओ सब लोग, मरुथल की धरती में छिद्र हो रहे हैं। ये सब कुछ अपने भीतर खींच लेते हैं। हे प्रभु, अभी कैसी आपदा आ गई है। क्या हो गया हनुमान? इस धरती के भीतर इस बावंडर को कैसे रोकोगे? ये काल का रेतीला बवंडर है, सबको धरती के भीतर ले जाएगा। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब आपदाएं हनुमान के कारण आ रही है। स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाए, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। स्वामी, उचित होता कि हम भवन में ही रहते। ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ जाना ही चाहिए। माँ, पिताश्री और सबको हनुमान के कारण ही इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। सब मेरे कारण ही इस यात्रा पर आए हैं। मुझे इन सब की रक्षा करनी होगी। रक्षा कीजिए इस आपदा से। हनुमान, नहीं! हनुमान, नानी, बचाओ! माता जी,
मेरा हाथ मत छोड़ेगा, कसकर पकड़िए। ये क्या, अन्य स्थानों पर भी रेत के छिद्र हो रहे हैं। सखा शीघ्र कुछ करो, अच्छा मेरी पूंछ को पकड़ लीजिए, फिर धरती के भीतर नहीं जा पाएंगे। सब हनुमान की पूंछ को पकड़ लो। पिताश्री आप भी पूंछ पकड़िए। नहीं पुत्र, मेरे कारण ही बार बार कष्ट हो रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पुत्र। नहीं पिताश्री ऐसा मत करिए। नहीं, सबकी रक्षा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा पुत्र। पिताश्री रुकिए। ऐसा मत कीजिए स्वामी, हनुमान किसी को कुछ नहीं होने देगा। नहीं स्थिति तो और विकट होती जा रही है। नानी को रक्षित करो या पिताश्री को? अंजना, 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 पिताश्री पूंछ पकड़ लेते तो सब बच जाते, अब क्या करूं मैं? स्वामी थोड़ी और शक्ति लगाकर बाहर आने का प्रयास कीजिए। स्वामी मां कस के खींचे पिताश्री को। अंजना मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं, तो कोई शक्ति है जो मुझे भीतर ही भीतर खींच रही है। पिताश्री। अंजना रहने दो, अंजना ये दैवीय शक्ति के समक्ष हम वानर शक्ति का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। अंजना अंजना अंजना, अंजना, अंजना। अब देखता हूं मेरे इस वार से कैसे बचाता है हनुमान केसरी को। ये हनुमान के कारण क्या हो गया? पिताश्री रेत के भीतर चले गए।